रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है। एक तरफ इसके बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ इंडियन ओशन हिंद महासागर है। पहले रामेश्वरम मंदिर के पीछे समुद्र है, समुद्र में पहले नहाएगा, उसके बाद मंदिर के अंदर 22 कुंड है। 22 कुंड का एक आदमी का टिकट 25 रुपया टिकट है। सारा 22 कुंड में नहाने के बाद में मंदिर के अंदर कपड़ा चेंज करना है, कपड़ा चेंज करने के बाद में दर्शन करना रामेश्वरम मंदिर। ये रामेश्वरम का मेन मंदिर का रूल्स है। नमस्कार, आज की हमारी यात्रा होने वाली है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि भारत के दक्षिण के तट के अंतिम छोर पर स्थित है। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मध्य में विराजमान है। आज के एपिसोड में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अगर बात करें रामेश्वरम तक पहुँचने की, तो जो सबसे बढ़िया विकल्प है वो है रेल का, क्योंकि ट्रेन से रामेश्वरम तक जब आप आएंगे तो आपको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा पब्बन ब्रिज के ऊपर से ट्रेन के सफ़र का। पब्बन ब्रिज समुद्र तल से बहुत ही कम ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण ऐसा लगता है जैसे कि ट्रेन पानी की सतह पर चल रही हो। अगर आपके शहर से ट्रेन डायरेक्ट रामेश्वरम तक नहीं पहुंचती है, तो आप मदुरई तक ट्रेन ले सकते हैं। वहाँ मदुरई से रामेश्वरम तक की कई ट्रेनें उपलब्ध रहती हैं। मदुरई से जो ट्रेन चलती है रामेश्वरम तक, वो 150 किलोमीटर का सफ़र है और लगभग 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। इसके अलावा आप चेन्नई से भी ट्रेन लेकर रामेश्वरम तक पहुंच सकते हैं। अगर हम बात करें बाई रोड से रामेश्वरम तक आने की, तो जो हाईवे का सफ़र है वो बहुत ही बढ़िया है, रोड बहुत ही शानदार है। आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं और बस से भी आप रामेश्वरम तक पहुँच सकते हैं। तीसरा विकल्प, अगर आप हवाई जहाज़ से आते हैं, तो सबसे निकटतम जो हवाई अड्डा है वो मदुरई का है। अगर बात करें रामेश्वरम में रहने की सुविधा की, तो जब हम रात को यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आपको यहाँ पर मंदिर के जो आसपास का 1.5 किलोमीटर का क्षेत्र है, वहाँ पर ही आपको कई सारी धर्मशालाएँ और होटलों की जो सुविधा है उपलब्ध रहती है। 500 से लेकर 800 तक आपको यहाँ पर बढ़िया रूम मिल जाते हैं। हमने अपने लिए गोस्वामी मठ में रूम करवाया था। गोस्वामी ट्रस्ट में रहने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। 500 रुपये नॉन एसी कमरे का किराया है दो व्यक्तियों के लिए, 1000 एसी रूम का किराया है। गोस्वामी ट्रस्ट रामेश्वरम मंदिर पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले आता है और रामेश्वरम के गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल साथ में है। इसके बाद जब आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे, तो सबसे पहले जो आपको कार्य करना है, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का जो पूर्वी गेट है उसके बिल्कुल सामने अग्नि तीर्थम है। सबसे पहले आपको अग्नि तीर्थम में जाके स्नान करना है और उसके बाद आपको भगवान शंकर के जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन के लिए निकलना है। इसलिए हम भी यहाँ पर अग्नि तीर्थम के लिए चलते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद समुद्र के इसी हिस्से में स्नान किया था। भगवान राम यहाँ स्नान करके रावण का जो ब्रह्म हत्या का पाप उन्हें चढ़ा था, जो प्रायश्चित वो करना चाहते थे वो उन्होंने किया, और इसीलिए तीर्थ यात्रियों के बीच मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, और इसीलिए अग्नि तीर्थम को सबसे ऊंचा तीर्थ का दर्जा है रामेश्वरम में। तो अभी हमने अग्नि तीर्थम में यहाँ पर स्नान कर लिया है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो 22 कुंडों में जाकर स्नान करना है। वहाँ पर पांडे खड़े होंगे और उसके बाद भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकलना है। जो 22 कुंड है वो भी मंदिर के अंदर है, और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि यहाँ से जब आप स्नान करेंगे तो इसी कपड़ों में आप 22 कुंड में जाकर स्नान करेंगे, और उसके बाद आपको कपड़े बदल के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, क्योंकि गीले कपड़ों में मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं है। भगवान शिव जी को यहाँ पर रामेश्वरम इसलिए कहा जाता है क्योंकि त्रेता युग में प्रभु श्री राम जब रावण के युद्ध से पहले यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की थी यहाँ पर एक मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करके, और तब से लेकर आज तक यहाँ रामेश्वरम में भगवान शिव को वही मिट्टी के ज्योतिर्लिंग में पूजा जाता है, और इसीलिए यहाँ पर प्रभु को रामेश्वरम यानी कि भगवान श्री राम के ईश्वर के रूप में माना जाता है। जैसे आज भी भक्तगण यहाँ पर समुद्र के तट पर आते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करते हैं और अपने आराध्य देव भगवान शंकर की पूजा करते हैं। अगर आपका सामान आप होटल से कुछ भी लेके आ जाते हैं, जैसे मोबाइल या कुछ भी, तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मंदिर के आसपास आपको प्राइवेट लॉकर रूम्स बहुत मिलेंगे, कि होटल वालों की तरफ से या किसी ने खुद का लॉकर रूम यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर आकर आप अपना सामान लॉकर रूम में रख सकते हैं 10-20 रुपये चार्जेस देकर, और उसके बाद आप मंदिर दर्शन के लिए या तीर्थ स्नान के लिए जा सकते हैं। तो पहले करेंगे 22 कुंडों में तीर्थ स्नान और उसके बाद करेंगे भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन।
रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों तरफ प्रवेश करने के लिए चार दरवाजे हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, जो मुख्यतः पूर्व और पश्चिम से आप दर्शनों के लिए जा सकते हैं और उत्तर से जो 22 कुंडों में स्नान करने के लिए जा सकते हैं। मंदिर के चारों द्वारों पर चार गोपुरम हैं। पूर्व तथा पश्चिम द्वार के गोपुरम सबसे ऊंचे हैं। पूर्व द्वार का गोपुर 10 मंजिल का है और पश्चिम द्वार का गोपुरम 7 मंजिल का है। उसके बाद जो अगला स्टेप है, आपको आना होता है जहाँ पर 22 तीर्थ मह करके, वहाँ पर आपको स्नान करवाया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गुट के गुट लोग इकट्ठे आते हैं। यहाँ पर जो पांडे होते हैं उनके हाथ में बाल्टी होती हैं, वो आपको साथ में ले जाते हैं। यहाँ पर स्नान करने का जो टिकट का प्राइस है वो 25 रुपये पर पर्सन है और आपको एक एक करके 22 के 22 कुंडों में ले जाया जाता है। वहाँ पर आपके ऊपर एक एक छोटी छोटी बाल्टियाँ हैं वो डाली जाती हैं और आपको स्नान करवाया जाता है। और इन कुंडों के बारे में ये मान्यता है कि ये 22 कुंड हैं, पूरे भारत के जितने भी तीर्थ हैं वहाँ से जल लाकर इन कुंडों में भरा गया था। जब 22 कुंडों में आप स्नान के लिए जाएंगे तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का जो नॉर्थ गेट है, जो उत्तरी मार्ग है, वहाँ से स्नान के लिए प्रवेश है। तो वहाँ पर आकर आप टिकट कटवा सकते हैं और फिर आगे स्नान के लिए जा सकते हैं। रामेश्वर मंदिर में 22 कुंड रहता है। पहले समुद्र स्नान करना, फिर मंदिर के अंदर 22 कुंड है। ये 22 कुंड भगवान राम ने धनुष मार के निकाला, जो लंका जाके रावण को लड़ाई करके रावण को मारने के बाद में राम जी को ब्रह्म हत्या पाप पकड़ रहा है, वो पाप दूर करने के लिए भगवान राम ने धनुष मार के यहाँ 22 कुंड बनता है। 22 कुंड सारा देवता का नाम से रहता है, सारा नदिया का नाम से रहता है। इसमें ना करके अपना सारा पाप दोष, ब्रह्म हत्या दोष दूर करता है राम जी ने। रावण तो ब्राह्मण है, इसमें ना करके फिर सीता माता रेती से बन के राम जी पूजा किया, शिवलिंग मेन शिवलिंग है, वही राम ईश्वर को पूजा किया, इसलिए रामेश्वर कहता है। 22 कुंड आने के बाद में जो अंदर मेन शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम में सबसे बड़ा धाम, सीता माता रेती से बन के राम जी पूजा किया शिवलिंग, वही मेन शिवलिंग है, उसको दर्शन करके अभिषेक करके लोग यहाँ से वापस जाता है। श्रद्धालु एक एक करके कतार में आते हैं, पांडे उनके ऊपर जो बाल्टी है जल की वो डालते जाते हैं और फिर श्रद्धालु 22 के 22 तीर्थों में इसी तरह से स्नान करते हैं। और यहाँ के तीर्थ कुंड हैं जो, उनकी एक खास विशेषता है कि मंदिर के अंदर जितने भी 22 तीर्थ कुंड हैं उनका जल आपको मीठा लगेगा। तो जैसे ही आप मंदिर के बाहर आएंगे तो जो पानी, जो जल खारा हो जाएगा। इसीलिए ही श्रद्धालुगण इन तीर्थ कुंडों में से अपने घर के लिए भी जल भर के ले जाते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है, वो बेसिकली मुख्यतः एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है। एक तरफ इसके बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ इंडियन ओशन, हिंद महासागर है, और उन दोनों के बीच में भगवान शंकर जी का ये ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। अभी 22 कुंडों में स्नान करने के बाद हम ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए निकलेंगे। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जिसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो है यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉरिडोर, सबसे लंबा गलियारा। दुनिया का सबसे लंबा रामेश्वरम मंदिर का ये गलियारा 1000 फुट लंबा, 650 फुट चौड़ा और 125 फुट ऊंचा है। यहाँ तीन विशाल गलियारे हैं। पहला गलियारा सबसे पुराना है और 12वीं शताब्दी का है। दूसरे गलियारे में 108 शिवलिंग है। तीसरा गलियारा 1212 स्तंभों वाला सबसे बड़ा आकर्षित गलियारा है रामेश्वरम मंदिर का। ये स्तंभ इस तरीके से लगाए गए हैं कि आपको लगता है कि आपके साथ चल रहे हैं। छह स्तंभों पर की गई जो नक्काशी हम देख रहे थे वो बहुत अद्भुत है और चमकीले रंगों में ये चित्रित की गई है। एक और खासियत इन स्तंभों की कि इन पर जो कलाकारी की गई है वो दूर से देखने पर एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर देखोगे तो पता लगेगा कि हर स्तंभ पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी है। और यह गलियारे इतने बड़े हैं कि यहाँ पर सैकड़ों हाथी एक समय मंदिर जा सकते हैं। यह दृश्य आपके मन मस्तिष्क पर एक ऐसा छाप छोड़ता है जो जीवन भर के लिए आपके साथ रहता है और इस तीर्थ स्थल से जाने के बाद भी याद रहता है। तो रामेश्वरम मंदिर के जब आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले भगवान शंकर के जो मिट्टी के ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन होंगे। उसकी जो लंबाई है हाथ से थोड़ी सी ऊंची है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर जो भगवान हनुमान जी द्वारा शिवलिंग स्थापित किए गए थे, वो जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसके बिल्कुल साथ में ही है।
प्रभु श्री राम जी ने जब भोलेनाथ की पूजा करनी थी तो उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए भेजा। जब हनुमान जी समय पर नहीं पहुंच सके तो माँ सीता ने वहीं पर बालू, जिसे कि मिट्टी कहते हैं, उसका शिवलिंग बनाकर प्रभु श्री राम को पूजा अर्चना करने के लिए कहा और प्रभु श्री राम जी ने तब वहाँ पर बालू के शिवलिंग की ही पूजा की। जब हनुमान जी वापस आए तो प्रभु श्री राम ने जो हनुमान जी द्वारा शिवलिंग लाया गया था उसे, जो मुख्य ज्योतिर्लिंग आज के रूप में स्थापित है, उसके साथ में ही स्थापित कर दिया है, जिसे आज के समय में वैश्वलिंगम या काशी लिंगम के नाम से जाना जाता है। भक्तगण पहले मुख्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, उसके बाद भगवान हनुमान जी द्वारा स्थापित किए गए लिंग के दर्शन करते हैं। यहाँ पर माँ पार्वती पर्वत वर्धनी मंदिर के रूप में स्थापित हैं, उसके दर्शन कीजिए। गर्भगृह के भवन में झूलन पर पार्वती जी की छोटी सी सुंदर प्रतिमा है। यह भवन शयनागार है, यानी कि रात्रि की आरती के पश्चात श्री रामेश्वरम जी की उत्सव मूर्ति इस भवन में लाई जाती है। यहाँ झूलन पर उस मूर्ति को पार्वती जी के समीप विराजमान करा के पूजन आरती होती है। इस शयन आरती के दर्शन को कैलाश दर्शन कहते हैं। रामेश्वरम को चार धामों में से एक धाम माना जाता है। बाकी के जो तीन धाम हैं वो विष्णु धाम है पूरी उड़ीसा में, द्वारका गुजरात में और ऊपर बद्रीनाथ, लेकिन ये जो धाम है भगवान शंकर का धाम माना जाता है और साथ में हरि का धाम भी माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध जो है वो श्री राम से भी जुड़ा हुआ है। एक खास बात, वैसे तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरा दिन चलते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर स्फटिक मणि के दर्शन करने हैं तो वो रोज़ सुबह 5 से 6 बजे तक करवाए जाते हैं। जो स्फटिक मणि है वह शिवलिंग की तरह यहाँ पर पूजी जाती है, लेकिन पूरे दिन में सुबह हर रोज़ 1 घंटे के लिए उसके दर्शन होते हैं। इस मणि की मान्यता है कि ये शेषनाग है जिस पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। स्फटिक लिंग के जो दर्शन होते हैं वो सुबह 5 से 6 बजे 1 घंटे में हो जाएगा स्फटिक लिंग मंदिर, उसके बाद नॉर्मल लिंग है ज्योतिर्लिंग का दर्शन है। मंदिर परिसर में ही अन्न प्रसादम की निःशुल्क सुविधा है। 12:30 से 3 बजे हर दिन श्रद्धालु यहाँ पर भोजन ग्रहण कर सकते हैं और मंदिर प्रांगण में ही आपको ये अन्न प्रसादम मिलेगा। मंदिर प्रांगण में ही जो प्रसाद यहाँ पर वितरित किया जाता है यहाँ श्रद्धालु अपने घरों के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर पुलियारा बोला जाता है, जो इमली के राइस हैं 8 रुपये का पैकेट है, 10 रुपये का पैकेट है, हलवा मिलता है, लड्डू मिलते हैं। काली धोती में जो भी श्रद्धालु आपको दक्षिण के मंदिरों में दिखाई देंगे ये सब केरल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर सबरीमाला की यात्रा के लिए निकले हैं, जो कि साल में एक बार खुलता है। तो ये थे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन। यहाँ पर आपके लिए 2 दिन और 1 रात पर्याप्त है, जिसमें आप पूरे का पूरा रामेश्वरम देख सकते हैं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, धनुषकोटी जा सकते हैं। अगर आपको रामेश्वरम यात्रा के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। हमारा जो अगला एपिसोड होगा वो यहाँ पर रामेश्वरम वेजिटेरियन फूड टूर पर होगा। रामेश्वरम में ही धनुषकोटी है, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु का निर्माण करवाया था। यहीं पर भारत का इकलौता विभीषण मंदिर है, यहाँ पर रामभद्र मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी ने सीता माँ तक पहुँचने के लिए शिलांग लगाई थी। तो ये सभी मुख्य तीर्थ स्थल अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।